हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप कि आप लोग सभी अच्छा कर रहे हैं। और बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लर्न करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियोज को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अपने पास दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज गिवन 2i, इट इज गिवन i प्लस 2j एंड माइनस k कैप। ये फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है और सेकंड वेक्टर b दिया हुआ है बच्चों, माइनस i प्लस j माइनस 2k। ये दो वेक्टर दिया हुआ है और हमें दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों एंगल? जब भी इस तरह के प्रॉब्लम दिए हो, आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि डॉट प्रोडक्ट को यूज करना है यहाँ पर। तो क्या करना है, सबसे पहले दो वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, ए डॉट बी इक्वल टू होता है बच्चों ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पर लिखेंगे, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। सो ए डॉट बी तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, तो थीटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। और ए और बी क्या है बच्चों, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड है। तो जब तीनों कंपोनेंट हो, तो मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये तीनों कंपोनेंट का यहाँ पर रूट लेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो वन आई है, तो वन का स्क्वायर। वाई कंपोनेंट टू जे, तो यहाँ पर टू का स्क्वायर। जेड कॉम्पोनेंट माइनस वन है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से स्क्वायर करेंगे वन प्लस फोर प्लस वन, तो यह हो जाएगा सिक्स, रूट सिक्स हो जाएगा बच्चों। बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस वन है, यहां पर जे के कोफिशियंट में वन है, तो वन का स्क्वायर प्लस के का कोफिशियंट क्या है बच्चों, माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर। सो यहां पर लिखेंगे वन प्लस वन प्लस फोर, सो यह हो जाएगा यहाँ पे रूट सिक्स, फोर प्लस टू रूट सिक्स हो जाएगा। ए की वैल्यू भी रूट सिक्स हो गई और बी की वैल्यू भी रूट सिक्स हो गई। तो हमने ए और बी निकाल लिया दोनों का मॉड वैल्यू। यहाँ पर एक और पेज ऐड कर लेते हैं। सो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है i प्लस टू जे माइनस के, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे i प्लस टू जे माइनस के डॉट बी वेक्टर। सेकेंड वेक्टर क्या है बच्चों, माइनस i प्लस जे माइनस i प्लस जे माइनस टू के वेक्टर है, माइनस टू के वेक्टर। और यहाँ पर अपॉन a और b का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड है बच्चों रूट सिक्स, बी का भी मैग्नीट्यूड है रूट सिक्स। तो आई डॉट आई, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आई डॉट आई, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई डॉट आई मैंने आपको सिखाया था वन होता है और ऑलरेडी माइनस वन है, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन ही आएगा। अब फिर आई डॉट जे, आई डॉट जे की वैल्यू जीरो होती है, फिर आई से के का लेंगे डॉट, तो आई डॉट के माइनस टू के, तो i डॉट के दोनों वेक्टर तो 90 डिग्री एंगल पर है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। j डॉट i भी जीरो होगा, j डॉट j क्या होगा बच्चों वन, और टू इंटू वन हो जाएगा, तो ये टू हो जाएगा। j डॉट k यह भी जीरो हो जाएगा, नौ k डॉट i यह भी जीरो, k डॉट j यह भी जीरो, फिर k डॉट k वन होगा और माइनस वन यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस टू है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस टू हो जाएगा, रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स करेंगे तो सिक्स हो जाएगा।
सो यहाँ से माइनस वन प्लस टू अपॉन सिक्स, सो यहाँ से देख सकते हैं आप यह वन बाई सिक्स हो जाएगा। और जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट पे ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस वन है, यहाँ टू है, यहाँ टू है, तो टू टू प्लस टू फोर, माइनस वन प्लस फोर अपॉन सिक्स, तो यह हो जाएगा बच्चों थ्री बाई सिक्स, थ्री टू जा तो वन बाई टू, सो कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री या कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, यहाँ पर कॉस 60 डिग्री वन बाई टू होता है, सो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, सो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइनली हमने जो एंगल निकाला, दैट एंगल इज कमिंग 60 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा बच्चों, इन द सेकेंड प्रॉब्लम प्रूव दैट द वैक्टर्स ए एंड वी हैव वन मोर वैक्टर वैक्टर बी, दे आर परपेंडिकुलर। वी हैव टू प्रूव अनदर वैक्टर बी, वी हैव, लेट मी कम टू द पॉइंट, बी वैक्टर जो है बच्चों वह इस तरह से टू आई माइनस जी, तो यहाँ पर आपको प्रूव कर रहे हैं कि यह दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूव करेंगे? दो वैक्टर परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, ए डॉट बी क्या हो जाए, जीरो हो। और फिर लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। हमें प्रूव करना है कि ए डॉट बी जीरो होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि जब 90 डिग्री होगा तभी ए डॉट बी जीरो होगा, तो ए डॉट बी यहाँ पर ले लेते हैं डायरेक्टली। ए वैक्टर है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे थ्री के कैप डॉट, यहाँ पर है बच्चों टू आई माइनस जे। अब डॉट प्रोडक्ट लीजिए और देखिए आंसर जीरो आता है कि नहीं आता है। अगर जीरो आ जाएगा तो यह परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। तो आई का आई के साथ डॉट करेंगे तो वन, और वन इंटू यहाँ पर टू है, आई का जे के साथ डॉट करेंगे तो जीरो होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जे डॉट आई करेंगे तो भी जीरो होगा, नहीं लिखना है। जे डॉट जे वन होगा एंड टू इंटू माइनस वन, यह माइनस टू हो जाएगा। और फिर बच्चों के का आई के साथ डॉट करेंगे तो वो भी जीरो होगा, नहीं लिखना है। और के डॉट जे भी जीरो होगा तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। वन इंटू टू हो गया टू, प्लस इंटू माइनस माइनस टू, सो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर थ्री एंड फोर एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज सिक्स, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना दे रखा है, सिक्स, तो ए डॉट बी सिक्स दे रखा है। और फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड थ्री, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड फोर, तो एंगल निकालना है दोनों के बीच में, तो कॉस थीटा लिखेंगे इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं आप सिक्स अपॉन थ्री इंटू फोर, अब थ्री टू जा सिक्स और टू टू जा फोर, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, सो यह हो जाएगा बच्चों कॉस 60 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू वन बाई टू के बदले कॉस 60 डिग्री, दोनों तरफ से कॉस हटा दिया, तो थीटा की वैल्यू हम लोग 60 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से यह प्रॉब्लम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, वी विल डिस्कस अनदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फोर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि अगर अपने पास फोर्स वेक्टर है, अब फोर्स ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू
सेवन आई प्लस सिक्स के, सेवन आई कैप प्लस सिक्स के कैप, ये फोर्स दे रखा है, मेक्स अ बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन। इस फोर्स के वजह से कोई बॉडी जो है वो रफ प्लेन पर मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर दे रखा है थ्री जे प्लस फोर के, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पावर इन वॉट, पावर कैलकुलेट करना है, पावर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं पावर। बच्चों ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि फॉर्मूला लिखना है। पावर जो होता है दैट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स डॉट वी। अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, सेवन आई कैप प्लस सिक्स के कैप डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ये कितना है थ्री जे प्लस फोर के कैप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, तो इसका मल्टीप्लीकेशन टर्म इसके साथ और इसके साथ जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, के डॉट जे यह भी जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, लेकिन ये वाला जीरो नहीं होगा, के डॉट के वन होगा और सिक्स इंटू फोर इंटू वन, सो दिस इज सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर, सो ट्वेंटी फोर वॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24 वॉट, ठीक है। इन शॉर्ट आप लिखना चाहते हैं तो 24 कैपिटल W भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया बच्चों, और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, बट इस वीडियो में चार क्वेश्चंस काफ़ी है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए चार क्वेश्चंस तक ही कर रहे हैं। इससे आगे हम लोग अब कॉन्सेप्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, आप वीडियो को अच्छे से लर्न करिए, वॉच करिए बच्चों, जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स को उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।